नमस्कार स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 10A आईसीएसई बोर्ड पब्लिकेशंस, नेम इज सेलिना पब्लिकेशन। क्वेश्चन, इफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी आर रेस्पेक्टिवली 6 एंड 5, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। हमें यहाँ पर फिफ्थ टर्म का और सिक्स्थ टर्म एक एपी का दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि 11th टर्म पे कौन आएगा। तो एक बहुत नायाब सा मेथड हम आपको बता दें, अक्सर हमने एक कुछ का, सबकी तो बात नहीं करता, मैंने एक दो स्टूडेंट्स को फेस किया कि सर फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का एपी 6+5 कर ले तो 11th टर्म, क्योंकि यहाँ पे 5 और 6 प्लस करने पर 11 आता है, इसको प्लस कर दे तो 11th आ जाएगा। सर ये किस तरह से क्वेश्चन कभी भी ना करें, मैथ आइडिया का नाम नहीं है, मैथ मेथड को कहते हैं। तो यहां पर फिफ्थ टर्म्स और सिक्स्थ टर्म, हम इसकी मदद से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्रिएट कर लें और उसमें ए और डी फाइंड कर लें, आफ्टर दैट 11th टर्म में पुट कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? देखो यहां पर एक फार्मूला होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूला को बेटा अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे? मैं यहां पर ये लिखूं कि सर यहां पर हमारे पास a फिफ्थ टर्म है, तो क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन, और जो फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है, राइट। तो यहां पर ए हमारे पास कितना है बताई नहीं है, प्लस एन क्या है, एन इज फिफ्थ, तो 5-1 इज इक्वल टू 6, और यहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो हम इसको यहाँ पे डी लिख देते हैं, और यहां से क्या 5-1 4d प्लस ए इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक इक्वेशन आपके समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर a प्लस, अब इसी को अप्लाई यहां कर दें, किसका टर्म है 6, तो 6-1 इंटू डी, और यहां पर कितना आया 5, तो 5 कर लिया। a इज इक्वल टू 6-1, 6-1 इज इक्वल टू 5d, और इज इक्वल टू कितना हो गया 5, और ये इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट हो गया। अब देखिए यहां पर दोनों एक इक्वल हो गया, तो हम यहां लिख दें सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बेटा यहां पर कितना हो जाएगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6, a प्लस 5d इज इक्वल टू 5, 6 से 5 निकाल दो वन, और इज इक्वल टू 4 से 5 करो तो माइनस डी हो जाएगा, और डी को ये माइनस यहां पर आ जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। अब क्या करिए, पुट डी इन इक्वेशन नंबर 1, डी को इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या, a प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 6, देन a माइनस 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस अगर आता है तो 4 हो जाता है, और 6 और 4 10, a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 10 हो गई। अब यहां पर हमें 11 टर्म फाइंड करना है, तो देन हम यहां रखते हैं t11 इज इक्वल टू a हमारे पास कितना आ गया 8 10 आ गया, देखो प्लस n माइनस 1, n कितना है 11, माइनस 1 इंटू डी कितना है -1, तो 10 प्लस 11 माइनस 1 10 हुआ, 10 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -10 होगा, 10 से 10 को माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो 11th टर्म आएगा बेटे वो कितना होगा 0 होगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा।
और प्लीज चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।